अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा, इनकी शादी पर, इनके अफेयर पर, इनके रिश्ते पर और रिश्ते से जुड़ी कंट्रोवर्सी पर इस खास प्रोग्राम में आपके साथ बात करने के लिए मैं मेघा एक बार फिर से हाजिर हूँ। अर्जुन और मलाइका का जिक्र हो रहा है तो एक गाना जहन में आया है, जरा पहले वही सुना लेते हैं। मेरी राम कली मैं तुझ पे जी जान से मरता हूँ, लेकिन क्या करूं ये तो भाईजान से डरते हैं। ये गाना अर्जुन और मलाइका पर इसलिए सटीक बैठ रहा है कि अर्जुन और मलाइका ट्रॉलर्स के ट्रॉलिंग को फेस कर सकते हैं। अर्जुन और मलाइका सबको मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। अर्जुन और मलाइका को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट व्हेन इट कम्स टू भाईजान ये दोनों थोड़ा सा हो जाते हैं परेशान। जैसा कि आप सब जानते हैं, मलाइका अरोड़ा बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की एक्स भाभी जान है और एक्स भाभी जान ने अर्जुन कपूर के साथ इश्क लड़ा लिया, अरबाज खान को तलाक दे दिया। तब से लेकर अब तक ये कहा जाता है कि सलमान खान जो हैं अर्जुन मलाइका दोनों से नाराज हैं और उनकी नाराजगी का खामियाजा बोनी कपूर को भुगतना पड़ रहा है। तो भाई बोनी कपूर को एक झटका सलमान खान ने दे दिया है, क्लियर कर दिया है उन्होंने, नो एंट्री के सीक्वल का हिस्सा मैं नहीं बनूंगा। अब सलमान खान नहीं होंगे तो फिल्म का क्या होगा, ये बात फैंस भी सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं बोनी कपूर भी। तो सलमान खान की वजह से बोनी कपूर ने अर्जुन मलाइका के रिश्ते को हरी झंडी देने से मना कर दिया। कंट्रोवर्सी अब थोड़ी सी बढ़ गई है और इस बढ़ी हुई कंट्रोवर्सी को आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे अपनी रिपोर्ट के जरिए, देखिए जरा। अरबाज खान से तलाक लेने के बाद मलाइका अरोड़ा का लिंकअप अर्जुन कपूर के साथ होने लगा। अरबाज से अलग हो जाने के बाद मलाइका और अर्जुन, इन दोनों का प्यार सातवें आसमान पर पहुंच गया। जिस रिश्ते को ये दोनों सबसे छिपा कर रखना चाहते थे वो रिश्ता सबके सामने आ गया। अर्जुन को लेट नाइट मलाइका के घर पर, अर्जुन को मलाइका के हाथ में हाथ डाले और तो और सीक्रेट वेकेशंस पर भी इन दोनों को स्पॉट किया जाने लगा, जिसके बाद जंगल में आग की तरह इन लव बर्ड्स की बातें बॉलीवुड की गलियों में फैलने लगी। जंगल में आग की तरह इन दोनों को लेकर चर्चे चारों तरफ होने लगे और इन्हीं चर्चों के बीच में खबर ये आई कि अर्जुन मलाइका के प्यार की भनक सलमान खान को लग गई है और सलमान अर्जुन से काफी ज्यादा खफा हो चुके हैं। भाई दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये बता दे, अर्जुन हमेशा से सलमान खान की तारीफें करते हुए देखे जाते थे। अर्जुन कपूर हमेशा सलमान खान को अपना गॉडफादर कहते थे। अर्जुन बताते थे कि उन्हें बेहतरीन एक्टर बनने के टिप्स सलमान खान ने ही दिए हैं, लेकिन मलाइका के प्यार में पढ़कर सल्लू मियां की टिप्स को अर्जुन कपूर भूल बैठे। अर्जुन और मलाइका के रिश्ते का पूरा पूरा असर पड़ा सलमान खान की पूरी कपूर फैमिली के साथ इक्वेशन पर। भाई बोनी कपूर, जिनके साथ सलमान खान नो एंट्री में काम कर चुके हैं, उसी फिल्म के सीक्वल में काम करने से सलमान खान ने मना कर दिया। 2005 में रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री का सीक्वल हमेशा से बोनी कपूर बनाना चाहते रहे हैं। करीब 1.5 साल बीत चुका है नो एंट्री के सीक्वल को लेकर फैंस लगातार डिमांड कर रहे हैं। बोनी कपूर बार बार कह रहे हैं कि ये फिल्म जरूर बनेगी, लेकिन अर्जुन मलाइका को लेकर जिस तरह से सलमान खान गुस्सा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा बोनी कपूर को। कहा जाता है कि बोनी कपूर अप्रैल के महीने में होने वाली अर्जुन और मलाइका की शादी के खिलाफ इसी वजह से हुए थे क्योंकि वो सलमान खान के साथ पंगा नहीं लेना चाहते थे। भाई ये बात तो आप सब जानते ही हैं, इंडस्ट्री में सलमान खान का दबदबा कुछ इस तरह का है, जिसने एक बार उनसे पंगा ले लिया उसका तो फिर भगवान ही भी कुछ ठीक नहीं कर सकता। सलमान खान से अगर पंगा लोगे तो ऊपर वाला भी साथ छोड़कर सलमान के पास चला जाएगा। कहा जाता है कि जब मलाइका अपने से उम्र में छोटे अर्जुन कपूर के साथ आशिकी कर रही थी, तब सलमान ने मलाइका और अर्जुन इन दोनों को रोकने की कोशिश की।
सलमान ने बोनी कपूर से कहा कि अर्जुन को मलाइका से दूर रखो, लेकिन प्यार में पड़े अर्जुन कपूर पर सलमान खान की धमकी का पापा के समझाने का कोई असर नहीं हुआ। जो प्यार करता है वो डरता नहीं, इसी को सच मानते हुए, इसी को फॉलो करते हुए अर्जुन कपूर ने मलाइका के साथ अपने रिश्ते को आगे बढ़ने दिया। मलाइका के साथ अपने रिश्ते को नहीं रोका, जिसका नतीजा ये निकला अंत में। सलमान खान हो गए काफी ज्यादा गुस्सा। दबंग खान अर्जुन कपूर से बिल्कुल खफा हो गए। जब अर्जुन और मलाइका की शादी की खबरें आई तो सलमान ने बोनी कपूर से बात करना बंद कर दिया। इतना ही नहीं, दावा तो ये भी किया जाता है कि सलमान के घर बोनी कपूर जाना चाहते थे, लेकिन सलमान ने अपने घर में बोनी कपूर को घुसने तक नहीं दिया। वेल, सल्लू मियां का गुस्सा बोनी कपूर को लेकर बार बार फूटा है, इसीलिए बोनी ने अर्जुन और मलाइका की शादी को अपनी मंजूरी भी नहीं दी। अब इस वक्त जो खबर आ रही है वो कुछ इस तरह की है कि नो एंट्री में एंट्री, ये जो सीक्वल है 2005 में रिलीज हुई फिल्म नो एंट्री का, इसे लेकर सलमान खान ने एक बड़ा सा ना बोल दिया है। जी हाँ, कल तक जो स्पेक्यूलेशंस थे अब ऑफिशियली खबर आ चुकी है, नो एंट्री में सलमान खान की एंट्री नहीं होगी। फिल्म के सीक्वल को बोनी कपूर और अनीस बजमी मिलकर बनाने वाले हैं। बीते काफी वक्त से सलमान की डेट्स का इंतजार कर रहे थे, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करवाने के बाद सलमान खान ने डेट्स देने से मना कर दिया। सलमान इस फिल्म का हिस्सा नहीं होंगे। असली वजह क्या है नहीं पता। बताया जा रहा है कि सलमान इस फिल्म के लिए मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आगे आने वाला जो साल है यानी साल 2020, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फिल्म राधे पर फोकस करना चाहते हैं, राधे की शूटिंग और राधे के प्रमोशन पर ध्यान देना चाहते हैं। और अंदर की बात कुछ इस तरह की है, बोनी नो एंट्री के सीक्वल में अपने बेटे अर्जुन को भी ला रहे हैं। अब अर्जुन को लेंगे तो सलमान खान काम करेंगे नहीं, क्योंकि अर्जुन का अफेयर सलमान की एक्स भाभी मलाइका से जो चल रहा है। अब यहाँ बोनी कपूर का सबसे बड़ा लॉस हुआ, नो एंट्री में सलमान खान नहीं। अगर सलमान खान नो एंट्री में नहीं तो ये फिल्म भरा फैंस के दिल में कैसे एंट्री करेगी। कुल मिलाकर कहा जाए तो अर्जुन और मलाइका की शादी फिलहाल परेशानियों से घिरी हुई है। बोनी कपूर को लगने वाले झटके की ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, ना जाने आगे और क्या दिन देखने बाकी है। सलमान खान पहले कहते हैं कि उन्होंने ही दबंग 3 से मलाइका अरोड़ा का आइटम सॉन्ग हटवाया और अब नो एंट्री में एंट्री से भी वॉकआउट कर गए हैं, मना कर दिया है कि काम मैं नहीं करूंगा। बोनी कपूर परेशान, अर्जुन मलाइका परेशान और सलमान खान के इन्हीं ऐलानों की वजह से मलाइका के सपनों पर पानी फिर गया है। भाई छैया गर्ल शादी के सपने देख रही हैं और अर्जुन कपूर ने कह दिया है मेरी बहनें अभी कुंवारी बैठी हैं, मैं कैसे शादी कर सकता हूं। शादी को लेकर अर्जुन और मलाइका में हुई है ये कैसी नोकझोंक, विद अ वेरी स्पेशल रिपोर्ट ऑफ अस हम आपको दिखाएंगे, देखिए जरा। वेल, इंटरव्यू में अर्जुन से पूछा गया सवाल, आप कब शहनाई बजवाने वाले हैं? इश्कजादे के एक्टर ने हंसते हुए कहा, मेरा शादी करने का कोई मूड नहीं है, मैं फिलहाल तो शादी नहीं करना चाहता। जब भी ऐसा होगा आप सभी को इनविटेशन दूंगा। मेरी फैमिली बिग फैट वेडिंग में भरोसा करती है और अभी मुझे छोटी शादी करने की परमिशन नहीं मिलेगी। अर्जुन कपूर के इस स्टेटमेंट के बाद साफ हो गया कि वो अभी शादी नहीं करेंगे और जब उनकी शादी की बात आएगी तो सबको ही पता चल जाएगा। अर्जुन कह रहे हैं कि अभी तो मेरी बहनों की भी शादी नहीं हुई और वहाँ मलाइका अरोड़ा शादी के सपने सजा चुकी हैं। नेहा धूपिया के चैट शो नो फिल्टर नेहा में पहुंची मलाइका ने ड्रीम वेडिंग को लेकर खुलासा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो एली साफ गाउन पहनकर हर चीज वाइट चाहिए, ब्राइड्समेड्स मेरी गर्ल गैंग होंगी, मुझे ये कॉन्सेप्ट पसंद है और मैं दूसरी शादी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। भाई अभी तो सलमान खान ने सिर्फ एक ना बोला है, अर्जुन और मलाइका के बीच अभी से इतनी ज्यादा ओपिनियन को लेकर डिफरेंसेस नजर आ रहे हैं। अब इस तरह के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो आगे आने वाले वक्त पर पता चलेगा। एज फार एज वी नो अर्जुन मलाइका, नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, ये दोनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ने वाले। तो देर से ही सही, शहनाई तो बजेगी, छैया गर्ल दुल्हन भी बनेंगी।
दोस्तों आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही. नाउ इट्स टाइम फॉर अस टू रैप अप आवर शो. वी विल मीट यू गाइस सून विद सम मोर एक्साइटिंग अपडेट्स, बट टिल देन स्टे ट्यून्ड टू नेक्स्ट 9 न्यूज एंड स्टे अपडेटेड.